आचार्य जी प्रणाम। ये पूछना था, क्या मैंने कई बार देखा है कि बचपन में ही छोटे बच्चे बहुत ही गंभीर हालत में, बीमारियों में आ जाते हैं हॉस्पिटल में, कैंसर हो जाता है, बहुत सी अलग अलग बीमारियां। तो वो कहते हैं फिर सबका ब्लेम यही दिया जाता है कि ये तो पूर्व जन्मों का कर्म फल है जो किया है। तो उसमें क्या सच्चाई है, बाकी कितनी सच्चाई है वो सब? और कई लोग तो कहते हैं कि श्राप मिला है, और श्रापों में ऋषि मुनि भी पुराने ज़माने में श्राप देते हैं, तो सब ऐसा कुछ आज की प्रेजेंट सिकनेस का पिछले जन्म के कर्मों से लिंक है कुछ? इसकी वजह ये है कि हमारी मान्यता में एक इंडिविजुअल सेल्फ बैठा हुआ है। गौर से समझेंगे तभी बात बनेगी। हम ये मानते हैं कि वो जो बच्चा हमारे पास आया है 5 साल का, उसका कोई व्यक्तिगत मैं है, उसकी कोई व्यक्तिगत सत्ता है, उसका कोई व्यक्तिगत आई है। हम कहते हैं उसका कोई व्यक्तिगत सेल्फ है। अगर उसका व्यक्तिगत सेल्फ है तो फिर उस बच्चे के साथ जो कुछ हो रहा होगा उसके लिए वो व्यक्तिगत सेल्फ ही उत्तरदायी होगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि उस 5 साल के बच्चे को कैंसर हो गया, तो हम कहते हैं इसको कैंसर हुआ है ना, इसको कैंसर हुआ है, तो कैंसर की वजह भी इसी से संबंधित होनी चाहिए, क्योंकि हम उस बच्चे को एक आइसोलेटेड डिवाइडेड इंडिविजुअल इकाई मान रहे हैं। हम कह रहे हैं इसका एक व्यक्तिगत सेल्फ है, हम कह रहे हैं इसको कैंसर हुआ है, तो उसकी वजह भी इसी बच्चे में निहित होगी, कुछ इस बच्चे के अतीत में होगा जिसकी वजह से इसको कैंसर हो गया। तो फिर हम खोजने की कोशिश भी करते हैं कि इसके अतीत में ऐसा क्या है कि इसको कैंसर हो गया, पर पाते हैं कि उसकी ज़िंदगी 5 साल की है, तो फिर हम अनुमान लगाते हैं कि कुछ पूर्व जन्म वगैरह का चक्कर होगा, किसी ऋषि महात्मा ने श्राप दे दिया इसलिए हो गया। ये सारा अनुमान हम लगाते रहते हैं अपनी मान्यता को आधार बनाकर, और मान्यता ये है कि ये बच्चा और दुनिया का हर आदमी एक व्यक्तिगत सेल्फ रखता है कि ये अंशु है, आई अलग और ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, तो इसके साथ कुछ हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी, और इसके साथ कुछ हो रहा है तो कारण इसमें निहित होंगे। ठीक, हम ये नहीं देख पाते कि हम उलझ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमने जो मूल मान्यता रखी है वही गलत है। व्यक्तिगत सेल्फ है ही नहीं, उस बच्चे के साथ जो हो रहा है उसके लिए वो बच्चा जिम्मेदार है ही नहीं, क्योंकि बच्चा कुछ है ही नहीं, बच्चा कोई पृथक इकाई है ही नहीं। वो बच्चा और उसके बगल में जो आदमी बैठा है और उसकी माँ और उसका बाप और पूरी दुनिया एक है। अगर वो बच्चा कोई अलग चीज होता तो उसके साथ जो घटना घट रही है उसका कोई खास इंडिविजुअल पर्सनल कारण होता। उस बच्चे के साथ जो घट रहा है वो वास्तव में एक ऐसी घटना है जो पूरी दुनिया के साथ घटी है, दिखाई बस उस बच्चे में दे रही है, तो उसके कारण भी फिर इंडिविजुअलाइज्ड नहीं है, उसके कारण भी फिर जनरल हैं। उन कारणों को उस बच्चे में लोकलाइज करने की कोशिश मत करिए। उसको जो कैंसर हुआ है उसका कारण उस बच्चे में निहित है ही नहीं, ना कारण उस बच्चे में निहित है ना कैंसर भी उस बच्चे को ही हुआ है, वो एक जनरल कैंसर है जो अभी इसमें दिखाई दे रहा है, कहीं और भी दिखाई देगा। पर ये बात हमारी समझ से बाहर जाती है क्योंकि हम तो लिखते हैं पेशेंट्स नेम। अब पेशेंट्स नेम हमने लिख दिया अरुण शर्मा, अरुण शर्मा बच्चे का नाम है, तो हमें लगता है इसी को तो हुआ है ना, वो सबकी बीमारी है, और चूंकि वो सबकी बीमारी है इसीलिए उसके जो कारण है वो भी सार्वजनिक हैं। आप उन कारणों को उस बच्चे के अतीत में मत खोजिए। मैं बताता हूं उसे क्यों हुआ है कैंसर। उसे कैंसर इसलिए हुआ है क्योंकि चीन की एक फैक्ट्री है जो बहुत ज्यादा प्रदूषण कर रही है, पूरी पृथ्वी को कैंसर हुआ है चीन की उस फैक्ट्री से, इस बच्चे में दिखाई दे रहा है। अगर आप ढूंढना ही चाहते हैं कि उत्तरदायी कौन है तो हम सब उत्तरदायी हैं। उस बच्चे को कैंसर इसलिए हुआ है क्योंकि आपकी गाड़ी का इंजन ठीक नहीं है, प्रदूषण बहुत करता है। उस बच्चे को कैंसर इसलिए हुआ है क्योंकि आसपास के लोग सब, उसके अड़ोसी पड़ोसी शोर बहुत करते थे,
बच्चा जिस घर में रहता था वहां वो बचपन से ही ठीक से सो नहीं पाया, स्ट्रेस से हुआ है कैंसर। और अड़ोसी पड़ोसी शोर क्यों करते थे? क्योंकि समाज ही ऐसा है। तो बताओ अब जिम्मेदार कौन है उसके कैंसर के लिए? पूरी दुनिया जिम्मेदार है, पूरी दुनिया जिम्मेदार है, और कैंसर भी पूरी दुनिया को ही हुआ है। हां, मरता हुआ दिखेगा एक बच्चा, और हम हैं आंखों के गुलाम, हमें दिखाई देता है कि एक बच्चा मरा, तुम्हें लगता है हम बच गए, और कोई मरा है हम बच गए। हमें यह नहीं समझ में आता कि जो उसको हो रहा है वही हमको हो रहा है। अध्यात्म का मतलब ही है यह जानना कि हम सब आपस में गुथे हुए हैं। हम इतने गुथे हुए हैं आपस में कि हम सब एक हैं। एक का दर्द एक का ही दर्द नहीं है, दूसरे का भी दर्द है। इसीलिए अध्यात्म में सेवा का खास महत्व है। सेवा का मतलब ही होता है कि मैं अपने आप को दूसरे से पृथक, दूसरे से जुदा नहीं समझता। जब मैं दूसरे से जुदा नहीं हूं तो मेरा हित फिर इसी में है कि दूसरे का हित हो, अतः सेवा करनी पड़ेगी। ये बड़ी बचकानी बातें हैं कि आप पाएं कि एक 6 महीने के बच्चे को कैंसर हो गया है तो आप फिर अनुमान लगाएं कि जरूर इसने पिछले जन्म में कुछ पाप करे होंगे जो इसे कैंसर हुआ। ये पिछले जन्म के कोई पाप नहीं है, ये इस पूरी दुनिया की हालत है, इसकी वजह से उसको कैंसर हुआ है। उस बच्चे को एक आइसोलेटेड इकाई, एक आइसोलेटेड सेल्फ की तरह न देखो तो सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। पर ये आंखें तो सब आइसोलेशंस को ही देख पाती हैं। ये आंखें देखती हैं तो हर चीज बटी हुई है, जो कुछ बटा हुआ है उसे ही आंखें देख पाती हैं। तो हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगियां भी बटी हुई हैं, हम सोचते हैं हमारे दुख दर्द भी बटे हुए हैं। ना, एक को जो हो रहा है उसके लिए पूरी दुनिया जिम्मेदार है। यहां तक कि एक अगर अपने कुकर्मों से की भी सजा पा रहा है तो वास्तव में उसके लिए भी पूरी दुनिया जिम्मेदार है, क्योंकि आप एक सही माहौल में कुकर्म कर ही नहीं सकते। अगर एक आदमी भी कुकर्म कर रहा है तो इसका मतलब माहौल खराब था, और माहौल खराब था तो कौन जिम्मेदार हुआ? सभी। तो जब पर्सनल सेल्फ ही नहीं होता तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी? और जब पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तो इसका मतलब यह नहीं होता कि अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो गए। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो अब आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्यक्तिगत दायित्व, तो बहुत छोटी बात होती है। व्यक्तिगत दायित्व का मतलब होता है मैं जिम्मेदार हूं बस अपनी देखभाल के लिए या अपने घर परिवार की देखभाल के लिए। व्यक्तिगत दायित्व तो बहुत छोटी बात होती है। जब आपको दिखाई देता है कि पर्सन ही झूठा है तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी झूठी होगी, तो फिर आपका दायित्व, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, अनंत हो जाती है, सबके प्रति हो जाती है। बच्चे पर किसी तरीके से ये निष्कर्ष लगा करके आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह चुरा लेते हैं। जब आपने कहा कि 6 महीने के बच्चे को कैंसर इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले जन्म का पापी था, तो देखिए कितनी आसानी से और कितनी बेईमानी से आपने अपनी जिम्मेदारी को पीठ दिखा दी। आप भूल ही गए हैं कि उसको कैंसर इसलिए नहीं हुआ है पिछले जन्म का पापी था, उसको कैंसर इसलिए हुआ है क्योंकि आपको चिकन खाना बहुत पसंद है और आपका मांसाहार जिम्मेदार है बहुत हद तक क्लाइमेट चेंज के लिए, और क्लाइमेट चेंज तमाम तरह की बीमारियों को तेजी से बढ़ा रहा है जिसमें कैंसर भी शामिल है। पर ये लगता ही नहीं ना, जब आप बैठ करके चिकन चबा रहे होते हो तो आपको ख्याल ही नहीं आता कि आपने कितने लोगों के लिए कैंसर पैदा कर दिया। सिर्फ अपने लिए नहीं, कितने लोगों के लिए। हत्यारे जैसा लगेगा ना, दिखाई देगा कि हाथों पर खून लगा हुआ है, और वो जो खून है बस उस बेगुनाह जानवर का नहीं है जिसे चबा रहे हो, पूरी मानवता का खून लगा हुआ है तुम्हारे हाथों पर। तो फिर हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, उस बच्चे ने ही पूर्व जन्म में कुछ पाप किए होंगे इसलिए उसको कैंसर हो गया। ना, तुम जो कुछ करते हो वो पूरी दुनिया से आता है, और तुम जो कुछ करते हो उसका असर भी पूरी दुनिया पर पड़ता है। पर्सनल सेल्फ कैसा?
पर्सनल सेल्फ ही तो अहम है, ईगो है, उसी का झूठ दिखाने के लिए तो सारा अध्यात्म है। आचार्य जी, इन्होंने जो बात कही वही तर्क ज्योतिष शास्त्र देता है, लेकिन वो अपने आप को फिर एक साइंस की लैंग्वेज में बता देता है। नहीं, वो नहीं, वो अपने आप को ज्योतिष शास्त्र अपने आप को एक साइंस बता देता है कि हम ना वो शास्त्र है ना वो साइंस है। हाँ, तो वो ऐसे तर्क दे देता है कि साइंस है, कैलकुलेशन है, जिसे आप ज्योतिष कहते हो, ना वो शास्त्र है ना वो साइंस है। निराधार है ना? नहीं, निराधार नहीं है, आधार है ना उसका, क्या माया, भ्रम, बेवकूफी। आचार्य जी, ऐसी एक घटना हुई थी कि मेरी दीदी की एक बेबी हुई, फिर वो ख़त्म हो गई, फिर उन पंडित जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, एक साल बाद लड़का होने वाला है, और फिर वो हो भी गया। फिर उन्होंने बड़े घमंड से कहा कि देखो, मैंने बोला था ना, इसकी कुंडली में लिखा हुआ था बेटा। तो वहाँ पे मेरे को कुछ पढ़े समझ लिखे नहीं होने की एक अनिवार्य शर्त ये होती है कि जब तुम बात करोगे प्रोबेबिलिटी की, संभावना की, तो वहां तुम सिर्फ ये नहीं देखोगे कि तुम्हारी बात सही हुई है या गलत हुई है, तुम ये देखोगे कि तुमने कितनी बातें बोली, उनमें से कितनी सही हुई। 100 बातें बोलो तो 2-4 तो किसी की भी सही हो जाती हैं, पर तुम कभी वो बातें याद नहीं रखते जो गलत निकली। जो सही निकल गई उनको याद भी रख लेते हो और प्रचार भी कर लेते हो। सिक्का 100 बार उछालोगे तो 40-50 बार तो चित भी पड़ेगा, और 40-50 बार तो पट भी पड़ेगा। पर बस तुम वही सब रिकॉर्डिंग कर लो जितनी बार हेड जाया हो, और फिर किसी को दिखाओ कि देखो, जब भी उछाला हेड जाया है, टेल्स दबाई गए, जैसे कहते हैं दुम दबा के। ये सब चीज़ें इसलिए प्रचलित होती हैं क्योंकि हम में श्रद्धा नहीं है। जहाँ श्रद्धा नहीं होता, वहाँ श्रद्धा की जगह लेता है अंधविश्वास। तो हम जानबूझ करके इस तरह के अंधविश्वासों को प्रोत्साहन देते हैं। बहुत दुख से कह रहा हूँ, पर तथ्य ये है कि आज के समय का 99% धर्म और 99% अध्यात्म सिर्फ अंधविश्वास है। ना वो अध्यात्म है, ना वो विज्ञान है, वो कोरा अंधविश्वास है। एक ये भी समाज में मान्यता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं या जीवन शैली अपनी अच्छे जीते हैं, वो उनको ज़्यादा दुख भोगने पड़ते हैं, मतलब किसी और जो लग बुरे कर्म करते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता है, मतलब ये प्राय सुनने में आता है। अब सबसे बुरा कर्म तो यही है कि इस तरह की बातें सुन रहे हो। सत्संग में तो सुनी नहीं होगी ऐसी बातें। कहाँ बैठ रहे हो आजकल? नहीं बताओ पहले डॉक्टर साहब, इसलिए इतने इतने दिनों में दर्शन देते हो ताकि उस तरह की बातें सुन सको। मैं तो बोलता नहीं इस तरह की बातें, कहाँ से सुन के आए? और जहाँ से भी सुन के आए वहाँ बैठे क्यों? बहुत पहले सुनी, अभी नहीं। अभी मुझे देख के याद आ गई हूँ, बहुत पुरानी बातें हैं। समझाने वाले बेचारे समझाते ही रह गए कि सम्यक कर्म अपना फल आप होता है, कि आनंद की स्थिति में ही तुम सम्यक कर्म करते हो, और जो सम्यक कर्म रहेगा उसका आनंद उत्तरोत्तर वृद्धि पाएगा। समझाने वाले समझाते ही रह गए, यहां एक से बढ़कर एक सिद्धांत विकसित किए जा रहे हैं कि नहीं, जो सही काम करेगा वो दुख पाएगा, जो गलत काम करेगा वो सुख पाएगा। तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये सब सिद्धांत क्यों गढ़े जा रहे हैं और कौन गढ़ रहा होगा?
गढ़ ही वही रहे हैं जिनकी रुचि है पाप करने में, और तुम सुन भी रहे हो। क्यों सुन रहे हो? उन्होंने कहा, तुमने सुना क्यों? तुम वहां मौजूद क्यों थे सुनने के लिए? केला तक तो खाते हो तो छिलका उतार के खाते हो, और बातें किसी की यूं ही समूची निगल लेते हो बिना देखे कि इसमें क्या लगा है। डॉक्टर हैं, बच्चों को समझाते होंगे, सब्जी भी पहले रगड़ रगड़ के धोना, छिलका उतारना, फिर पकाना, और बातें कीचड़ में लथपथ हो तो भी खा जाना, ना उनको धोना, ना परखना, ना जांचना कि कहीं सड़ी तो नहीं है, कहीं इनमें कीड़े कीड़े तो नहीं लगे हुए, कैसी भी बातें खा लेते हो। शरीर की बीमारी की चिकित्सा फिर भी आसान है। गंदा पानी पी लिया, ठीक, दवा दे देंगे, बच जाओगे। गंदी बानी सुन ली, अब तुम्हें कौन बचाएगा? बहुत सतर्क रहो कि कानों से, आंखों से क्या प्रवेश कर रहा है मन में। दूसरों को तो बस यही बताते रह गए कि पानी उबाल के छान के पिए, और बानी वो तो कैसी भी आती रहे, सुने जाओ। कान में क्या शब्द पड़ रहा है इसके प्रति बहुत सतर्क रहो। ये धारणा मत रखना कि सुनने में क्या जाता है। जो मूर्खता के सिद्धांत चल रहे हैं बाजार में, उनमें एक ये भी है, सुनो सबकी करो मन की। जिस भी पगले ने ये दिया है उसे नहीं पता कि सुनना ऐसी चीज नहीं होती जिस पे तुम अपना नियंत्रण रख सको। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा सुनते सुनते तुम कब बह जाओगे। तुम तो यही सोच रहे हो कि तुम बड़े अधिकारी हो, बड़े ताकतवर हो, तुम तो बस सुन रहे हो। अभी हम सुन रहे हैं। तुम जो सुन रहे हो वो तुम्हारे मन पर निरंतर कब्जा भी कर रहा है। तुम जो सुन रहे हो वो तुम होते जा रहे हो। इतना आत्मविश्वास मत रखो, ये अति तुम्हें भारी पड़ेगी। जैसे ऐसा हो नहीं सकता कि तुम प्रदूषित हवा में सांस लो और तुम्हारे फेफड़ों पे असर ना पड़े, वैसे ही ऐसा हो नहीं सकता कि तुम मैली कुचैली बानी सुनो और तुम्हारे मन पे असर ना पड़े। असर पड़ेगा। तो ये सिद्धांत मत बघारो कि सुनो सबकी। जिसकी सुन रहे हो तुम उसके गुलाम होते जा रहे हो। मत सुनो सबकी। और आगे कह देते हैं करो मन की। अरे मन की नहीं करनी है, रब की करनी है। क्योंकि मन तो बनता ही सुनी सुनाई बातों से है। जब तुम कह रहे हो सुनो सबकी करो मन की, तो वास्तव में तुम कह रहे हो सुनो सबकी और जो सुना हो वही कर डालो, क्योंकि मन तो वही हो गया जैसा सुना उसने। या तो उस स्थिति पर पहुंच जाओ जहां अब बोध इतना प्रबल हो गया है और श्रद्धा इतनी अटल हो गई है कि कुछ भी सुनोगे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। पर ऐसे तुम हो क्या? कहिए डॉक्टर साहब, ऐसे हो गए हैं क्या कि हिमालय हो गए, अब कोई हिला के दिखा दे हमें, ऐसे हो गए? ऐसे तो हुए नहीं हो। तुम तो उल्टी पुल्टी सुनोगे तो मन में 50 तरीके के विकार आ जाएंगे। तो मत सुनो अभी।
फरमाइए। आचार्य जी, आपने बताया हम सब एक हैं, तो हमें अनेकता क्यों दिखाई पड़ती है? जिसे अनेकता दिखाई पड़ती है वही तो दुख भोगता है। जिसे अनेकता दिखाई पड़ती है वही तो दुख भोगता है। वो कहता है हम सब अलग अलग हैं, तो मेरा पड़ोसी भले ही तड़प रहा हो, मैं तो सुखी रह सकता हूं, क्योंकि हम सब अलग हैं। जब अलग हैं तो माने इसकी स्थिति अलग है और मेरी स्थिति अलग है, तो वो तड़प भी रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, मैं मजे में रह सकता हूं। अध्यात्म इस अनेकता को खत्म करने के लिए है, अध्यात्म उसी को शांति देने के लिए है, खत्म करने के लिए है, जो अपने आप को सबसे पृथक समझता है, उसका नाम है अहम। वो कहता है अहम, अहम माने ये जो हाड़ मास का बोरा है, खाल का बोरा, उसमें भीतर भर दी गई है मांस, इसका नाम है अहम। अहम कहता है ये मैं हूं, और इसके बाहर जो कुछ है वो पराया है, पृथक है। इसी अहम के इलाज के लिए अध्यात्म होता है, क्योंकि ये अहम पगला है, इसकी मूल धारणा ही गलत है।